अभी जितने भी सैमसंग के फ़ोन हैं उनमें आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही होगी। जब आप यहाँ पे कॉल लगाते होंगे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही होगी, जब आप नेट चलाते होंगे तब भी आपको 4G या फिर 5G नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही होगी। आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही होगी सैमसंग के किसी भी फ़ोन के अंदर, तो आप उसे एक क्लिक के अंदर कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊँगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है नोटिफिकेशन को नीचे की तरफ खींचना है सबसे पहले, और यहाँ पे आपको फ्लाइट मोड मिलेगा, इस पर आपको एक बार टैप करना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको ये 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद आपको फिर से फ्लाइट मोड पर ही क्लिक कर देना है। आपकी 50% प्रॉब्लम इसी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब रह गई 50%, उसे आप सेटिंग में जाकर ठीक करेंगे। सेटिंग में जाइए और वहाँ पर आपको दिखेगा इस तरीके से कनेक्शन का ऑप्शन, इसमें चले जाइए, और यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे इस तरीके से सिम मैनेजर, इसमें चले जाइए। सिम मैनेजर में आपकी सिम यहाँ पे चालू होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे मोर सिम इस तरीके से दिखेगा, तो ये आपको यहाँ से डबल सिम ऑलवेज ऑन होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल डाटा आपका बंद है तो यहाँ से सीधा चालू भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिए। मोबाइल नेटवर्क में आप आएंगे तो यहाँ पे डाटा रोमिंग हमेशा ऑन रखिए। डाटा रोमिंग ऑन रखने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं से आपका नेटवर्क है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको नेटवर्क मोड, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपका फ़ोन 5G है तो 5G को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपका फ़ोन 4G है तो LTE सिलेक्ट कर लीजिए नीचे वाला, ठीक। एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, इससे आपके फ़ोन में कोई भी APN सेटिंग खराब होगी भी सेट सही से हो जाएगी। नेटवर्क ऑपरेटर पे जब आप क्लिक करेंगे ये आपका ऑन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सेटिंग करनी ही करने हैं, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम ही बनी रहेगी, ठीक है। ये करने के बाद आप अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेक कर लीजिए, कहीं आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे एक काम और करना है, यहाँ पे आपको ऊपर एक सर्च बार दिखता है, यहाँ पे आपको डालना है रीसेट ऑल सेटिंग, ठीक है। रीसेट ऑल सेटिंग आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा इस तरीके का, तो यहाँ से आपको सबसे पहले नेटवर्क सेटिंग को यहाँ से आपको रीसेट कर देना है, अपना पिन वगैरह जो भी डाल के, ठीक है, उसका रीसेट ऑल सेटिंग कर दीजिए, इससे कोई डाटा डिलीट नहीं होता है, ठीक है। पहले नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कीजिए, उससे हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपने फ़ोन का जो पावर बटन है वो आपको दबाना है, और यहाँ से आपको अपने फ़ोन को यहाँ से रीस्टार्ट करना है, और आपका फ़ोन थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। देखो फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने फ़ोन का डेट एंड टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट कर दीजिए। सेटिंग में जाइए और वहाँ पे आपको सर्च बार में डालना है DATE डेट एंड टाइम, ये देख सकते हैं। तो डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे देखना है सेट ऑटोमेटिकली यहाँ है कि नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से दोनों ऑप्शन यहाँ ऑटोमेटिकली ऑन होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, और आपकी प्रॉब्लम है 101% ठीक हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।